बहुत ही अच्छी थी, और खास करके पंकज त्रिपाठी सर का जो पंच था वो अमेजिंग था। हर एक लाइन के अंदर बीच में थोड़ा एक्शन डाल देते, उसके कारण मूवी का मजा डबल हो जाता है, चार चांद लग गए मूवी के अंदर। फुकरे वन यहाँ थी, फुकरे टू थोड़ी नीचे हो गई, फुकरे थ्री ने लेकिन ग्राफ इतना ऊपर कर दिया है कि पब्लिक पागल हो गई हंस हंस के थिएटर में, तालियां बज रही थी एंड में, इट वाज इनक्रेडिबल। वरुण इज द स्टार ऑफ द मूवी, ये मूवी में मतलब इतना एंटरटेन किया, इतनी इंजॉयबल थी मूवी शुरू से लेके एंड तक, यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। लास्ट में वरुण बोलता है क्या, मैं घर पे डायन लेके आ सकता हूं तो मैं डॉन क्यों नहीं लेके आ सकता, वो वाला अच्छा। व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? कॉस चूचा। फेवरेट सीन पूरे मूवी में जब आखिरी में उन्होंने कहा था ये भी इससे करे लाली से, वही करवा, वो वाला फेवरेट सीन था। मूवी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही मजा आया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हमको हंस हंस के पेट डुबना आ गया, इतनी अच्छी मूवी थी। वरुण और पुलकित की जोड़ी कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी, दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी थी, दोनों ने कॉमेडी का मेकअप किया और हंसाया लोगों को, हंसाने में कोई भी कमी इन्होंने नहीं छोड़ी, बहुत ही मजा आया मूवी के अंदर। लाली है, रिचा है, पंकज त्रिपाठी सर है, जो कॉमेडी का जो पंच दे रहे हैं बीच में, ओवरऑल कैसी लगी? बहुत ही अच्छी थी, और खास करके पंकज त्रिपाठी सर का जो पंच था वो अमेजिंग था, हर एक लाइन के अंदर बीच में थोड़ा एक्शन डाल देते, उसके कारण मूवी का मजा डबल हो जाता, चार चांद लग गए मूवी के अंदर। मगरमच्छ वाला बहुत ही अच्छा सीन था, उसके अंदर जो एक्टिंग थी पंकज त्रिपाठी सर की वो ऑसम थी, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। पहले से वरुण का जो किरदार इसमें कुछ ज्यादा और अच्छा दिखाया गया, मतलब कैसा लगा वो? बिल्कुल, पहले से बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसमें जो एक्टिंग किया है, जो बिल्डअप किया है, हर एक चीज में उन्होंने जो अपना फुल कॉमेडी देने की कोशिश की है, बहुत ही लाजवाब थी, उनको बहुत ही मजा आया। श्योरली मैं तो चाहूंगा आप जरूर आके देखे एक बार, मैं इसके 5 में से 5 स्टार देना चाहूंगा, बहुत ही अच्छी मूवी थी। थैंक यू। फुकरे 3 देखकर आया हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया है, बहुत टाइम के बाद इतनी एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म देखने को मिली है। फुकरे 1 यहाँ थी, फुकरे 2 थोड़ी नीचे हो गई, फुकरे 3 ने लेकिन ग्राफ इतना ऊपर कर दिया है कि पब्लिक पागल हो गई हंस हंस के थिएटर में, तालियाँ बज रही थी एंड में, इट वॉज इनक्रेडिबल। देखिए इन्होंने जैसा मैंने कहा कि ग्राफ और ही बढ़ा दिया है, तो इस फिल्म में भी जो है लकीली इनको जो सपोर्टिंग कास्ट है वो भी बहुत अच्छे मिल गए यहाँ पर, एंड वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट जो है, हनी और चूचा, इनकी जोड़ी तो आउट एंड आउट एंटरटेनिंग है। पर इसमें यहाँ पे जो है पंकज त्रिपाठी ने और जो आपके ऋचा चड्ढा है जो भोली पंजाबन बनी, इनका भी परफॉर्मेंस इतना अमेजिंग है कि पूरी फिल्म का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है। वन एंड ओनली चूचा वरुण शर्मा, पूरी फिल्म को ही हैज ओन्ड इट लाइक अ बॉस, मतलब एक एक सीन में, एक एक फ्रेम में जब वो दिखते हैं तो वो मज़ा आ जाता है, मतलब उनके एक्सप्रेशन, और ऐसा लगता है कि उन्होंने जहाँ पे ये फिल्म छोड़ी थी वहीं से उन्होंने वापस किए, और सल्यूट करूँगा एक ऐसे एक्टर को क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट होता है अपने स्किन में वापस आना, एंड सब लोगों ने जो परफॉर्मेंस दिया है, स्पेशली वरुण शर्मा चूचा, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। इसमें पंकज सर भी काफ़ी कॉमेडी पंचलाइन देते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा, तो आप मूवी देखकर कैसे लग रहे हैं? पंकज सर देखिए अब तो काफ़ी जाने माने नाम हो चुके हैं, एस्टैब्लिश स्टार है, और वही उनकी जो स्पेशलिटी है, धीरे से अपना एक पंचलाइन दे देते हैं, गर्दन घुमा देते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मानना पड़ता, बट वो एफर्टलेसली इनक्रेडिबल है, तो यहाँ पे भी वही है। तो ओवरऑल मूवी में आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा? बहुत सीन्स हैं ऐसे तो ओवरऑल फेवरेट, पर अगर मैं आपको बताऊँ तो जैसे जो क्लाइमैक्स है, क्लाइमैक्स में जैसे पंकज त्रिपाठी जी और जो अपना ये है सरदार जी, वो लटके हुए रहते हैं, एंड देन बहुत ही एक टेंस सिचुएशन भी होती है, बट बहुत हंसी भी आ रही होती है, तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ज़्यादा इनक्रेडिबल सीन था। एवरीबडी जिस जो जो देखिए मैं तो फुकरे फ़ैन हूँ, ठीक है, एंड मैं तो सबको बोलूँगा कि बिल्कुल आओ, फैमिली के साथ आओ, नीट एंड क्लीन कॉमेडी है और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग फिल्म। तो एक लेवल अप हो गया है। एक लेवल अप ही हुआ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए फुकरे 1 वॉज वेरी इंटरटेनिंग, वेरी इंजॉयबल, बिकॉज इट वॉज वेरी रॉ, एक नया कॉमेडी का कॉन्सेप्ट था, तो वो बहुत इंजॉय किया था। ब्रिंकदीप सिंह लांबा जिन्होंने पार्ट 1 डायरेक्ट की, उन्होंने पार्ट 2 और पार्ट 3 भी उन्होंने डायरेक्ट की, तो उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन की है, और चूचा का जो फनी कैरेक्टर है वो तीनों पार्ट में बहुत अच्छा लगा। देखिए मुझे पार्ट 1 बहुत अच्छी लगी थी, पार्ट 2 वॉज ऑल्सो एंटरटेनिंग बट मुझे ठीक ठाक लगी थी। वरुण इज द स्टार ऑफ द मूवी, ये मूवी में मतलब इतना एंटरटेन किया, इतनी इंजॉयबल थी मूवी
शुरू से लेके एंड तक यू विल बी एट द एज ऑफ योर सीट, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे. और जो सिनेमेटोग्राफी है वो भी बहुत अच्छी है अमलेंदु चौधरी की. एडिटिंग क्रिस्प है, बिल्कुल कहीं भी बोर नहीं किया, 2 घंटे 20 मिनट की मूवी है. और मृग्धि सिंह लांबा जो उसकी डायरेक्टर, उन्होंने कंटिन्यूटी मेंटेन की. तो वरुण शर्मा को जो स्क्रीन स्पेस दिया उन्होंने, इतना एंटरटेन किया, आई थिंक इज़ द बेस्ट कॉमेडियन. डायलॉग्स इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे अच्छे फनी पंचेस हैं, तो बहुत इंजॉयबल है, फैमिली एंटरटेनर है, सबको देखनी चाहिए. बहुत अच्छी एक सीन में उनका इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, दोनों ने इतना अच्छा मतलब एक्सप्रेस किया है. या एक सीन में वो वाटर स्लाइड में ऐसे नीचे ये करते हैं, इतने अच्छे एक्सप्रेशन देते चूचा. तो वरुण शर्मा हो या पुलकित सम्राट हो या मनजोत सिंह हो, सभी के बहुत अच्छे. रिचा चड्ढा शी इज सच ए फाइन एक्ट्रेस. पंकज त्रिपाठी इतने सीजन्ड एक्टर, उनका भी रोल बहुत अच्छा है. तो ऑल इन ऑल इट्स अ मस्ट वॉच आई फील. बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छे लगे. डेफिनेटली आई थिंक लोग कॉमेडी बहुत टाइम से चाहते थे कि हम लोग कॉमेडी कोई अच्छी मूवी देखें. तो ये मूवी देख के लोग बहुत इन्जॉय किए. लास्ट में देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज. तो इससे पता चला कि लोगों को बहुत पसंद आई मूवी. मुझे वही वो वाटर स्लाइड में जब नीचे जाते हैं तो वो सीन बहुत फ़नी लगा. और बहुत सारे ऐसे हैं कॉमेडी पंचेस और डायलॉग्स, बहुत फ़नी सीन्स हैं. तो शुरू से लेके एंड तक क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है. अली फजल का कैमियो भी बहुत अच्छा है. तो बहुत मज़ा आएगा आपको देख के. कैसी लगी फुकरे? मस्त थी. क्या अच्छी बात, हनी का किरदार जो पुलकित सम्राट कर रहे हैं, उनका किरदार कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा. सबका किरदार अच्छा था, स्पेशली चूचा का. बहुत फनी मूवी है, सबको देखनी चाहिए. पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा सुबह सुबह देखा. बहुत अच्छा लगा. टाइमिंग कैसी लग रही थी? मस्त मस्त. कोई ऐसी बात, कोई ऐसा डायलॉग कॉमेडी वाला जो आपको लगा यार ये मज़ा आ गया पुलकित सम्राट के अंदर? स्पेशली वो जो क्रोकोडाइल का सीन था ना स्विमिंग पूल में, वो तो बेस्ट ही था. मतलब बहुत फनी था, मस्त था मूवी. उनका डांस कैसा लग रहा था, वो जो गाना है फुकरे का? मस्त मस्त. अच्छा डांस था. वो मेहनत बहुत करते अपनी बॉडी पे लग रहा था. हाँ लग रहा था, मेहनत कर रहे लग रहा था. बॉडी एक्टिंग दिख रही थी बड़े पर्दे पर. हाँ. ओवरऑल मूवी को कितने स्टार्स दोगे? 3.5. और पुलकित की एक्टिंग को कितने, कॉमेडी को कितने स्टार्स दोगे? 4-5. मस्त. और जो वरुण की एक्टिंग थी और पंकज त्रिपाठी का जो कॉम्बिनेशन था दोनों का, और डायलॉग्स भी बहुत अच्छे थे. मतलब वर्थ अ वॉच है पूरी मूवी में. फनी कंटेंट बहुत है, कुछ सॉन्ग्स नहीं थे और कोई अलग कोई स्टोरी नहीं थी, लेकिन फनी बहुत है. ये मूवी में सबसे मजेदार किरदार आपको कौन सा लगा? वरुण का चूचा. पुलकित का मतलब थोड़ा थोड़ा पार्टी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वरुण ने अच्छा पुल ऑफ किया पूरी मूवी. आपका फेवरेट कौन सा रहा इसमें? मेरा तो वो सीन था जब लास्ट में वरुण बोलता है क्या मैं घर पर डायन लेके आ सकता हूँ, तो मैं डॉन क्रीम लेके आ सकता, वो वाला अच्छा था. So, would you recommend this movie? हाँ अच्छी मूवी है, एक पावर तो वॉच. वेरी नाइस, बहुत फनी और अच्छी थी. एंड आई थिंक चूचा जो है वो आउटशाइंस इन अ मूवी. ही गॉट अ वेरी गुड रोल एंड ही वॉज वेरी नाइस इन अ मूवी. वरुण का किरदार कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा. आई मीन आई थिंक उसका ही मेन रोल था एंड ही वॉज वेरी फनी एंड बहुत अच्छा. और पंच लाइन्स बहुत अच्छी थी. इवन एक्चुअली आई केम फॉर पंकज त्रिपाठी, बट आई थिंक चूचा वॉज वेरी गुड. बहुत अच्छी. आई मीन दे आर लाइक क्लोज फ्रेंड्स है, वो दिख रहा था उसमें. बहुत अच्छा ट्यूनिंग था, सबका अच्छा था. ऑब्वियसली वरुण शर्मा. थैंक यू सो मच. कैसी लगी मूवी आपको, वरुण और पुलकित की जोड़ी कैसी लगी? वो तो ऑल टाइम फेवरेट है. मीन्स फुकरे तो उनके लिए ही देखते मोस्टली, बट लेकिन अली फैजल नहीं थे ना तो थोड़ा वो अधूरापन लग रहा था, बट एंड में अच्छा है. अच्छा डायलॉग्स कैसे लगे इसमें? डायलॉग कॉमेडी पंच दिया हुआ है, बट लेकिन कोई कोई मींस ऐसा था कि ओवर हो रहा था. 2-3 जगह ऐसा था कि जरूरत नहीं था बट डाल दिया था ऐसा. तो आपकी फेवरेट पार्ट क्या है? फेवरेट तो हमेशा क्लाइमैक्स ही फेवरेट होता है मूवी का. तो मतलब मूवी बहुत मस्त है, बट जो इंटरवल के पहले पार्ट है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. अच्छा पहले से वरुण की इसमें जो केमिस्ट्री दिखाई गई है कैसी, थोड़े अलग और थोड़ा एक्टिंग कैसा लगा? वरुण की एक्टिंग मतलब एज कम्पेयर टू पिछले दो पार्ट और इसमें ना, इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा ही वरुण थोड़ा ज़्यादा मीन्स बोलते ना कि ज़्यादा कैरेक्टर में घुस रहा था वैसा. सो वुड यू रिकमेंड दिस मूवी? हां. कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी थी, मतलब बेस्ट मूवी. वरुण और पुलकित की जोड़ी इसमें दिखाई गई है. हाँ. कैसी लगी? अच्छी थी, हमेशा जैसे दोनों पार्ट में थी इस बार भी वैसी थी. और इन दोनों के बीच
कॉमेडी पंच भी काफी हम देख रहे थे, हाँ, हाँ, कैसी पसंद आई? दोनों की बहुत अच्छी पंचेस लाइन थी, चूचे की सबसे अच्छी रहती थी हमेशा और भी अच्छी थी। और आपका फेवरेट इसमें कौन सा रहा? चूचा। वुड यू रिकमेंड दिस मूवी? यस यस वेरी मच, क्योंकि उससे कोई अच्छी मूवी मतलब कॉमेडी में अभी ये साल में जो निकली वो ये अच्छी थी कॉमेडी में। हाँ कॉमेडी भी वो भी करते ही है। लाली का कैसा? हाँ लाली का भी अच्छा था। It was fantastic. वरुण और पुलकित का जो जोड़ी है इसमें हम देख रहे हैं, वो कैसी लग रही है? वो ब्रोमांस बेस्ट ब्रोमांस है, मतलब सच में वो फुकरे वन से लेकर अभी तक वो कंटिन्यू किया है, वो बेस्ट ब्रोमांस है। और इसमें जो कॉमेडी कॉमेडी टाइमिंग उन लोग की बहुत अच्छी है, अब थ्रू आउट मूवी कॉमेडी है, कभी ऐसा टाइम नहीं आया जब हम लोग हंसे नहीं है, थ्रू आउट मूवी हम लोग हंसते ही रहे लास्ट तक एंड तक। होल मूवी में आपका फेवरेट पार्ट कौन सा रहा? जब वो अपने इलेक्शन के लिए वोट मांगने जाता है और वो पूरा पीकॉक का ड्रेस पहना रहता है। आपका फेवरेट किरदार कौन सा रहा? चूचे एंड पुलकित एंड ऑफ कोर्स वी मिस अली जाफर। यस ऑफ कोर्स, तो सबको ही जाना चाहिए, फैमिली मूवी है सबको जाना चाहिए, कोई ऐसा वो अपसाइड हो जाए कार आ रही कोई ऐसा है नहीं जिसको नहीं जाना चाहिए, सब कोई भी जा सकता है, बहुत अच्छी मूवी है। थैंक यू सो मच। कैसी लगी मूवी आपको? बहुत अच्छी थी। वरुण और पुलकित की जोड़ी हम देख रहे हैं जो स्कूल से स्टार्ट होके जो वो जर्नी कर रहे हैं, वो कैसा लगा आपको? इट वाज एक्सीलेंट। अच्छा इसमें हम कॉमेडी पंचेस और जिस तरीके से वो स्टोरी लाइन अप कर रहे हैं और रीचा ने जो पॉलिटिक्स में जो भी उसमें किया है, तो वो कैसा लगा आपको? ऑन होल द मूवी वाज एक्सीलेंट, एवरीथिंग एवरी पार्ट वाज। व्हिच इज योर फेवरेट कैरेक्टर? ऑफ कोर्स चूचा। वुड यू रिकमेंड दिस मूवी? या मूवी वॉज ग्रेट, कॉमेडी है, राइट हार्टेड कॉमेडी है का 3.5 to 4 स्टार्स और फुल एंटरटेनमेंट पैकेज है, सो मजा आएगा एंड बैकड्रॉप पे सोशल इश्यूज भी मतलब रेस की है तो अच्छा है। इट वॉज क्वाइट गुड, मजा आया। Which is your favorite character? Chuche. Yeah. Would you recommend this movie? Yes, I would definitely recommend. बहुत कम movies आती है जो right-handed comedy होती है और the thing is कि बहुत खींचा नहीं गया movie को, so it's quite good. Thank you, sir. Yeah. कैसी लगी movie आपको? वरुण और चूचा की जोड़ी कैसी लगी और comedy punches कैसे लगे? उनकी जोड़ी तो hit है यार, वो तो कुछ कह नहीं सकते, और film तो अच्छी थी, सब वाइज अच्छी थी, उनकी बस स्टोरी थी कॉमेडी थी सब अच्छा था, उसमें कुछ ऐसा था नहीं, पर अच्छी थी मूवी, देखनी चाहिए सबको एक बार। पहले के कंपैरिजन में अभी का कैसा? फुकरे वन तो बेस्ट थी, वो तो मैं हमेशा देखता हूँ घर पे, उसका कुछ नहीं है, पर टू भी अच्छी थी और पर देखा जाए तो थ्री भी अच्छी बनाई है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, थ्री भी मस्त बनाई है। वरुण कैसे लग रहे हैं? वरुण तो यार मेरा पर्सनली वो बहुत फेवरेट है, मैंने उनकी सब फिल्में देखी है ऑलमोस्ट सब, तो वो तो मेरे को अच्छी लगते हैं वरुण एक्टिंग। फेवरेट सीन कौन सा रहा इस पूरी मूवी में? फेवरेट सीन पूरे मूवी में जब आखिरी में उन्होंने कहा था ये भी इससे करे लाली से, वही करवा, वो वाला फेवरेट सीन था। वुड यू रिकमेंड दिस मूवी टू एवरीवन? श्योर, फैमिली वॉचिंग। थैंक यू।